ठीक है। सबसे पहले आपको मोटर फिटनेस के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है, फिफ्टी मीटर्स स्टैंडिंग स्टार्ट, ये आपके मोटर फिटनेस। ठीक है, इसमें जितने भी आपको टेस्ट हैं वो पहले आपको पता होना चाहिए। देर इज सम टाइम क्वेश्चन रिगार्डिंग हाउ मेनी टेस्ट बैटरीज आर देयर फॉर मोटर फिटनेस टेस्ट, ठीक है, आपको वो क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, देन सेकेंड इन 600 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट फॉर इंडोरेंस, दैट इज फॉर इंडोरेंस, नहीं सॉरी, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट फॉर स्प्रिंट, जो आपका 600 मीटर रन और वॉक होगा ये आपका इंडोरेंस के लिए। ठीक है, हमने उसका पहले स्पीड हो गया, देन आपका इंडोरेंस हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट दैट इज फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी, देन पार्शियल कर्ल अप, पार्शियल कर्ल अप, ठीक है, पार्शियल कर्ल अप मीन्स यू आर स्ट्रेंथनिंग योर एब्डोमेन मसल्स, देन पुशअप्स, पुशअप्स आपको एज अर्लियर आई टोल्ड यू, पुशअप्स फॉर बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, ये आपने ध्यान रखना है, मॉडिफाइड जो आपका होता है वो गर्ल्स के लिए है, पुशअप्स, और ये आपका मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मॉडिफाइड मींस कि आपने उसको थोड़ा चेंज कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन्स, दैट इज मॉडिफाइड पुशअप्स, एज यू नो पुशअप्स फॉर योर शोल्डर आर्म स्ट्रेंथ, देन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में बेटा हम अपनी लोअर एक्सट्रीमिटीज जो लेग्स होती है, जो वेट से नीचे वाला पार्ट है उसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, दैट इज स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, देन देयर इज वन एजिलिटी, एजिलिटी और शटल रन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, व्हाट इज एजिलिटी और शटल रन, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस 4 × 10 मीटर्स, 10 मीटर आपका डिस्टेंस है, ठीक है, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, आपने 4 टाइम जाना है, 1 अगेन गो 2 3 4 में वापिस आ गए हो, ठीक है, तो बेसिक्स हमारा क्या है ये टेस्ट का, इससे हम ओवरऑल फिटनेस जज कर सकते हैं किसी भी पर्सन की। आपको एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया के डिफरेंट सेंटर्स में बच्चों को लेते हैं, छोटे बच्चों को, ठीक है, तो उनकी, अब अगर सपोज आपने 6 7 8 9 का कोई बच्चा लेना है, तो उसकी स्किल्स, ठीक है, उसके टेक्निक्स, अभी वो बिगनर्स होता है, वो उसका लर्निंग स्टेज होती है, ठीक है, तो वो वहां पे उसको किसी भी स्किल्स की मास्टरी नहीं अभी हुई होती है,
तो हम क्या करते हैं उसकी, हम ओवरऑल फिटनेस चेक करते हैं, सम ऑफ द टेस्ट। वहां पे आपने उसकी स्ट्रेचिंग देखनी है, फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है, कोऑर्डिनेशन देखना है बच्चे का। इसीलिए आपको डिफरेंट टेस्ट, टैपिंग टेस्ट है, ठीक है, फ्लेमिंगो टेस्ट है, ये खेलो इंडिया के एक टेस्ट की बैटरीज है। उन्होंने एक बैटरी बनाई है जिसमें वो छोटे बच्चों को चेक करते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन, उसके रिफ्लेक्सेस, ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर आप एक क्राइटेरिया बनाते हैं जिसको हम टेस्ट एंड मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। टेस्ट क्या है, आपने किसी को इवेल्युएट करना है, उसको हमने क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। और जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट, जो आपके डेटाज हैं, जो आपने सारे टूल्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू आप चेक करते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं। तो ये हमारी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस में बहुत ही इसका रोल होता है, टेस्ट का, मेजरमेंट का। आप कैसे अपने प्लेयर्स को, अपने ट्रेनिंग को, उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो, वेदर हिज और हर ट्रेनिंग इज गोइंग अप टू द मार्क और नॉट। ये सारे टेस्ट आपने देख लिए, ये आपका स्पीड हो गया, एंडोरेंस हो गया, देन स्टैंडिंग, स्टैंड रीच टेस्ट, सीटिंग, फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप में होगी तभी आप कोई एक्टिविटी करोगे। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी है देन यू विल बी एबल टू क्या करोगे आप, कोई भी न्यू टेक्निक है, कोई लोड है आपको, कोई हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं हमारे, इंटरवल ट्रेनिंग, फार्टलेग ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड्स, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग के जो मेथड्स हैं आप तभी उसको अच्छी तरह से कर पाओगे जब आपका फिटनेस लेवल अच्छा होगा। एज अर्लियर सो मेनी टाइम आई टोल्ड यू, इफ अ पर्सन इज फिजिकली फिट, अगर वो फिजिकली फिट होगा तभी वो अपना स्पोर्ट्स कैरियर, ठीक है, जो हर आदमी का एक प्रोफेशन कैरियर होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स वालों का स्पोर्ट्स कैरियर होता है, वो तभी अपना स्पोर्ट्स कैरियर उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक खेल सकता है अगर उसमें ये सारी ऑल ओवर ऑल राउंड फिटनेस होगी। तो ये हमारे कुछ एक टेस्ट हैं जो टेस्ट हम, जिससे हम वी कम टू नो कि हाउ वी हैव टू जज ए पर्टिकुलर पर्सन। सिंपल है, इसमें एक चीज आपने जरूर ऐड करनी है, व्हाट इज दिस, ये आपको दिख रहा है मैंने लिखा है अभी जो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड, WUP। हाँ जी अबे, हाँ यस सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, सर नहीं पता। वार्मिंग अप, ठीक है, ये सारी एक्टिविटी आप तब करोगे जब ये आप सबसे पहला काम करोगे, वार्मिंग अप। विदाउट वार्मिंग अप आपने ग्राउंड में कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी होती है। अगर आपने ये टेस्ट कंडक्ट कराने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको वार्मिंग अप करवाना होगा। जो भी आपके ट्रेनीज हैं, एथलीट हैं, विदाउट वार्मिंग अप नेवर गो, नेवर डू एनी फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आपको क्रैम्प आ जाएगा, आपको इंजरीज हो जाएगी, आपका हैमस्ट्रिंग पुल हो जाता है, मोस्टली हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमारा काम होगा वार्मिंग अप, ये सारा कुछ शुरू करने से पहले। उसके बाद एक लास्ट में आ जाता है, हमने अगर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपनी की है, कोई एक्सरसाइज की है, ट्रेनिंग्स का, हमने कोई भी ट्रेनिंग का कोई पार्ट किया है, ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना होता है, एट द एंड व्हाट वी हैव टू डू, स्टार्ट करने से पहले वार्मिंग अप, और जब आप फिनिश करते हो अपनी कोई भी एक्टिविटी देन व्हाट यू हैव टू डू। सर लिमरिंग डाउन, हाँ जी, कूलिंग डाउन और लिमरिंग डाउन, ये दो चीजें, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके माइंड पे क्लियर होना चाहिए। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, बीइंग अ टीचर, कोचिज, यू शुड नो वेन एवर यू स्टार्ट, स्टार्ट विद वार्मिंग अप, वेन एवर यू फिनिश विद कूलिंग डाउन, लिमरिंग डाउन और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस।
ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है व्हाइल यू आर गोइंग फॉर एनी स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटीज। आप कोई मैच खेलने जा रहे हो, आप कोई भी जनरल अपनी फिटनेस कर रहे हो, ठीक है, एनी वर्क एनी फिजिकल एक्टिविटी यू आर डूइंग, तो ये आपके बेसिक चीज है। अब जैसे एज यू नो यहाँ से स्पीड होगी है 50 मीटर, देन आपका इंडोरेंस हो गया, देन सिट एंड रीच टेस्ट हो गया, आपने सीधे लेट जाना है, बॉडी को बेंड करना है, ठीक है, टोज को टच करना है, टोज से अगर आप आगे जाते हो दैट विल बी योर फ्लेक्सिबिलिटी लेवल, जितना आप आगे जाते हो, देन पार्शियल कर्ल, आपने क्या करना है, बेंड्स करना है लेग्स को, फ्लोर पे लेट जाना है, देन आर्म साइडवाइज होंगे, आपने पार्शियल कर्ल, आपने हल्का सा अपर बॉडी को लिफ्ट करना है टुवार्ड्स योर नीज, ठीक है, हम पूरा नहीं करते हैं जिसको हम सिटअप्स बोलते हैं, दिस इज हाफ पार्शियल कर्ल अप, अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे ऊपर लेके आना है, दैट इज दिस एक्सरसाइज इज मेनली फॉर एब्डोमेन मसल, देन योर पुशअप्स बॉयज के लिए 90 डिग्री सीधा आपने बॉडी को डाउनवर्ड करना है, अपवर्ड लेके जाना है, ठीक है, फॉर गर्ल्स दैट इज मॉडिफाइड, आप अपनी नीज को ग्राउंड में टच कर सकते हैं, उसके बाद सेम वही आपने पुशअप्स करना है, ठीक है, देन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से हम अपनी लोअर एक्सट्रीमिटी अपनी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, आपने एक स्ट्रेट लाइन पे खड़े होना है, ठीक है, लाइन से आगे नहीं जाना है, दिस इज योर स्टार्टिंग लाइन, सेम इन द केस ऑफ योर 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 600 मीटर रन और वॉक, यू हैव टू स्टैंड ऑन स्टार्टिंग लाइन, दोनों फीट आपके इक्वली, बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा उस पर, अपने शोल्डर लेवल पे अपने अपना जो फीट है उसको, उसकी जो ब्रेथ है आपने शोल्डर लेवल की रखनी है, सिंपल जैसे हम खड़े होते हैं, ठीक है, उसके बाद बॉडी वेट दोनों लेग्स पे प्रॉपर होना चाहिए, देन यू हैव टू बेंड डाउन, जितना आप नीज को बेंड करके बॉडी को लिफ्ट करोगे, आर्म्स को ऊपर लिफ्ट करोगे, उतना आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप अच्छा होगा, वो आपका डिस्टेंस काउंट होगा, दैट विल शो योर स्ट्रेंथ ऑफ योर लेग्स, आपकी जो लेग्स की स्ट्रेंथ उससे हम चेक कर सकते हैं, देन एजिलिटी एंड शटल रन, एज यू नो एजिलिटी एंड शटल रन, हम कोई भी अगर गेम खेलते हैं तो हमको एकदम भागना पड़ता है ओपोनेंट के पीछे, उसको चेस करना होता है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ओपोनेंट वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन के साथ हमने उसको चेस करना है तो उसी की डायरेक्शन में हमको भागना होता है, तो शटल रन में क्या होता है, यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड एंड ऑल्सो चेंज योर डायरेक्शन, आप भाग रहे हो यहाँ से फिर वापिस आ रहे हो, फिर भाग रहे हो फिर वापिस आ रहे हो, आपने अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है, बॉडी पे का कंट्रोल भी रखना है, ठीक है, फिर सेम आपने वापिस आना है, तो ये हम ड्रिल कहाँ कराते हैं बेटा, ये ड्रिल हम डिफरेंट गेम्स की प्रैक्टिस के लिए कराते हैं, सारे ट्रेनिस को खड़ा कर देते हैं आगे लाइन में, ठीक है, और आपने सेम लाइन में रहना है, डिस्टेंस में रहना है, हम फिर कमांड देते हैं, क्या बोलते हैं, रन राइट, सारे राइट को भागेंगे, ठीक है, जब पूरी स्पीड पे भागना, ये नहीं कि स्लो स्लो, देन अगेन ऑन द कमांड ऑफ लेफ्ट इमीडिएटली यू हैव टू रन लेफ्ट साइड, देन कम फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, उसी कमांड के साथ आपको रनिंग करनी होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट एंड लेफ्ट, दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज, शटल रन एजिलिटी टू चेंज योर डायरेक्शन एंड टू मेंटेन योर स्पीड विथ सेम कोऑर्डिनेशन, और यही कोऑर्डिनेशन स्पीड का कॉम्बिनेशन आपका हर गेम में होता है, आपने बॉल को लेके भागना है, ओपोनेंट को देख के राइट को हो जाना है या लेफ्ट को हो जाना है, बैक आ जाना है या फॉरवर्ड, आपने स्प्रिंट एकदम तेजी से उसको निकालना है आगे, तो ये सारी चीजें आपको इस एजिलिटी और शटल रन में, ये गेम की जो एक्चुअल सिचुएशन होती है वहां पे ये सारी काम आती है, ये सारे आपके टेस्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अगर हम मॉडिफाइड को साथ में कर लें तो 8 हो गए आपके, ये आपके मोटर फिटनेस टेस्ट की बैटरी है जिससे हम फिटनेस किसी की चेक करते हैं, इसमें आपको क्लियर है बेटा कोई भी टेस्ट के बारे में डाउट, क्लियर है सर। क्लियर है ना ये, अब इसी में आपको एक नेक्स्ट क्या हो गया कि हमने सीनियर सिटीजन पे भी टेस्ट करने हैं कुछ, ये नहीं कि हमने आपने क्या किया है
चिल्ड्रन पे, यंग पे, स्टूडेंट पे आप डिफरेंट मोटर फिटनेस टेस्ट कर रहे हो, बट देर इज सम इम्पोर्टेंट टेस्ट रिगार्डिंग द सीनियर सिटीजन. जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए भी रिकली एंड जॉनसन, उन्होंने कुछ स्पेशल टेस्ट बनाए थे सो दैट उनकी भी फिटनेस को हम चेक कर सके. ठीक है, हर आदमी की फिटनेस होनी चाहिए ना एज ग्रुप में. जैसे हम डिफरेंट एज कैटेगरी में मैचेस कराते हैं, अंडर 16 है, अंडर 18, 19, डिफरेंट आपके एसोसिएशन के डिफरेंट मैचेस होते हैं एज ग्रुप के, 19 है, यूथ है, ठीक है, तो वो अंडर 9 है, वो हर गेम्स के डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप बने हैं. वो इसीलिए बने होते हैं बेटा ताकि वो अपनी एज ग्रुप में बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, सो दैट इक्वल वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो उसी एज ग्रुप के होंगे. ठीक है, उससे क्या होगा, अगर आप बड़े ग्रुप में किसी बच्चे को खिला देते हो तो नेचुरली क्या होगा, वो डोमिनेट करेंगे, क्योंकि एज वेट आपने देखा होगा इन डिफरेंट गेम्स. सपोज इफ यू आर प्लेइंग बॉक्सिंग, रेसलिंग, जुडो, देर इज बॉडी वेट वहां पे कंसीडर किया जाता है, वेट कैटेगरीज जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, जितने भी मैचेस होते हैं वो वेट कैटेगरीज में होते हैं, ये नहीं कि 70 वाले को आपने 80 और 90 केजी के साथ उसको आपने खिला दिया है, तो नेचुरली जो 80 केजी का होगा उसमें मोर पावर होगी, ज्यादा वो मस्कुलर होगा, उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगी है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट आपके बॉडी वेट के हिसाब से हमने सारा कैटेगरीज बनाई होती है. ठीक है, ये जो आपके रिकली एंड जॉन्स ये सम ऑफ द सीनियर आपका सीनियर सिटीजन टेस्ट है. सपोज आपने सीनियर सिटीजन के लिए जो भी टेस्ट बनाए हैं, व्हाट हैपन, हमने क्या किया, हमने देखना इसकी स्टेबिलिटी कैसी है. स्टेबिलिटी से मतलब क्या है कि हम चेयर्स हमने लिया है, चेयर्स पे हम विदाउट आपके कैसे बैठते हैं, जो आपने देखा होगा ओल्ड एज के जितने भी लोग होते हैं वो पहले चेयर्स की आर्म को पकड़ेंगे, उसके बाद वो बैठेंगे. ठीक है, तो उसमें हमने टेस्ट रखा है कि विदाउट आर्म की चेयर होगी, आपने उस पर सीधा बैठना है, सीधा उठना. ऐसे डिफरेंट टेस्ट है, चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी. ठीक है, अब हमने क्या किया, उसमें सबसे पहले चेयर स्टैंड टेस्ट, लिकली एंड जॉनसन के चेयर इसमें जो बेटा यूज होती है वो विदाउट आर्म होगी, और मेन इसमें क्या होगा, चेयर को आपने वॉल के साथ लगाना, ये आपको ध्यान रखना है. जब भी आपने सीनियर सिटीजन के कोई टेस्ट करने हैं तो जो आपकी चेयर होगी है वो वॉल के साथ लगी हो, अदरवाइज व्हाट हैपन, चेयर को अगर आप आगे लगा देंगे तो वो कहीं भी स्लिप हो सकते हैं. ठीक है, तो सबसे मेन आपने ध्यान रखना है. ठीक है, चेयर आपकी वॉल के साथ लगी होनी चाहिए सो दैट आपका जो जिस पे आप टेस्ट कर रहे हो वो सेफ रहे, क्योंकि सीनियर सिटीजन पे आप टेस्ट कर रहे हो तो हमको सेफ्टी सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी उसकी सेफ्टी है. ठीक है, तो चेयर स्टैंड टेस्ट आपका किस लिए होगा, लोअर बॉडी के लिए. मेन पर्पस क्या है हमारा इस टेस्ट का, टू असेस द लेग स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, आपकी लेग की स्ट्रेंथ क्या है. आपने दोनों आर्म्स को ऐसे रखना है, ठीक है, ये दोनों आर्म्स को ऐसे रखा है आपने, आपने कोई सहारा नहीं लेना है, नो हेल्प ऑफ एनी आर्म चेयर्स, नथिंग, सिंपल दिस पोजिशन, क्रॉस योर आर्म्स एंड देन यू हैव टू सिट, देन अप, सिट एंड स्टैंड. आपने विदाउट द हेल्प ऑफ एनी आर्म रेस्ट होगी है या कोई भी ऐसी चीज है उसकी आपने कोई भी हेल्प नहीं लेनी है. आप घर पे भी ये टेस्ट कर सकते हो, अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर को, जो भी आपका सीनियर सिटीजन है 60 से प्लस है, इससे बेटा बहुत ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगी कि फिटनेस क्या है, उनका क्या लेवल है फिटनेस का. देन आर्म, ठीक है, आर्म कर्ल, सीधा सेम आपने चेयर पे बैठ जाना है, आपके डंबल्स होते हैं, ठीक है, जो जिनसे हम वेट करते हैं, सीधा बैठना है, आर्म्स को स्ट्रेट रखना है, वन डंबल ले लो वन हैंड में, अपवर्ड
ऐसे डाउनवर्ड अपवर्ड, इसको अपवर्ड पूरा लेके जाना, फिर स्ट्रेट डाउनवर्ड नीचे लेके आना, ठीक है। तो मेन इसका इसका भी मेन पर्पस क्या है आपका, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, जो आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ है उसको हमने चेक करना है। इसके लिए आपको डिफरेंट पाउंड्स के डंबल्स होते हैं, दैट इज 5 pound वेट फॉर वुमेन एंड 8 pound फॉर मेंस। देन आपका चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। सिंपल, आप चेयर पे जैसे बैठे हो आपने वैसे ही बैठना है और वन लेग को अपनी एक्सटेंड करना है आगे, ठीक है। आप चेयर पे सेम पोजीशन पे बैठे हो, एक लेग आपकी जैसे हम नॉर्मल बैठते हो, वन लेग आपकी पूरी एक्सटेंड आपने आगे करनी है, जितनी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो आगे, ठीक है। और उसकी टोज को अपवर्ड रेज कर देना। देन ट्राई टू टच विद योर बोथ हैंड्स, ऐसे बोथ हैंड्स को आपने क्रॉस कर देना और पूरा आगे स्ट्रेच करना है। एंड यू ट्राई टू टच योर टोज, जितना बेंड हो गए, इफ यू टच योर टोज दैट मीन्स आपकी फ्लेक्सीबिलिटी लोअर बैक की बहुत अच्छी है, ठीक है। दैट पर्सन इज गुड इन फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ लोअर बैक। सिट एंड रीच टेस्ट। देन आपका बैक, बैक स्ट्रेच, बैक स्ट्रेच मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे आप ये हो, यहां से आपने हैंड को लेके आना है, ऐसे उसको होल्ड करना है, टच करना है। बैक स्क्रैच टेस्ट, ये दोनों आर्म्स को चेंज करके करना है, राइट देन लेफ्ट, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है, एक आर्म से हम कंफर्टेबली कर लेते हैं, जब हम आर्म्स को चेंज करते हैं देन इट विल बी डिफिकल्ट। मोस्टली ये वन आर्म से इजिली हो जाता है, सेकेंड जब हम चेंज करते हैं तो मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आती है। देन नेक्स्ट आपका आता है 8 foot अप एंड गो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 8 foot अप एंड गो। इसमें क्या है, आप यहाँ चेयर्स पे बैठे हैं, कोई भी यहाँ पे, ये आपकी स्पोर्ट्स चेयर है, ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हो, यहां से आपने आगे आपके डिस्टेंस पे 8 feet डिस्टेंस पे आगे कोई भी ऑब्स्टिकल रखा होगा या कोन रखा होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, ऑन द कमांड जब आपने ये टेस्ट एग्जीक्यूट करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल है, जब आपको बोलेंगे ऑन योर मार्क एंड गो, ठीक है, आफ्टर द सिग्नल आपने चेयर से उठना है, ऐसे जाना है और इसका एक राउंड लगा के वापिस आ जाना, ठीक है, जहां पे आपका ऑब्स्टिकल है। इसका मेन हमारा पर्पस है स्पीच स्पीड और एजिलिटी एंड योर बैलेंस, ठीक है। हमने यहां से कितनी जल्दी हम सीट से उठते हैं और यहां से वॉक या रन करके जाते हैं, घूम के वापिस आते हैं, ठीक है, वो हम टाइम नोट कर लेते हैं। जैसे जैसे ओल्ड एज आती है तो आपकी सारी मूवमेंट स्लो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। हर आदमी पे ये एजिंग एज फैक्टर हर आदमी पे आता है, ठीक है। कुछ एक लोग काफी टाइम तक अपनी डिले करते हैं जिसको एजिंग प्रोसेस, कई लोग बहुत जल्दी, ऐसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा एज उनकी होगी है उनकी फिजिकल अपीयरेंस से, ठीक है। कुछ लोगों का पता नहीं लगता, 80, 70, even 85+ दे आर फिट। तो वो डिपेंड करता है आपका बॉडी की कंडीशन पे, आपका फिजिकल फिटनेस पे। तो ये जितनी भी मूवमेंट्स होती है नेचुरली आफ्टर 60, वो सब आदमी की स्लो होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट इसीलिए करते हैं कि हम देखते हैं ओवरऑल क्या फिटनेस है, ठीक है। हर आदमी की ओवरऑल फिटनेस हम टेस्ट करते हैं। एक ये 8 foot अप एंड गो, ठीक है, आपने उसको ऑन योर मार्क सेट गो, यहां से वो गया, ये आपका ऑब्स्टिकल है 8 feet पे, वहां से घूम के वापिस अपनी जगह पे आ गए, वो हमने उनका टाइम नोट कर लेना है। देन 6 minute वॉक, उसके बाद आपका 6 minute
सिक्स मिनट वॉक, ठीक है, ये आपने एरोबिक कैपेसिटी, एनोरोबिक होती है एक एरोबिक होती है, दिस इज फॉर एरोबिक कैपेसिटी, दैट इज विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जो काम करते हैं दैट इज एरोबिक, और विदाउट ऑक्सीजन दैट इज एनोरोबिक एक्टिविटीज। इसमें आप किसी भी ग्राउंड में ट्रैक में जाके, ठीक है, आपने वॉक करना है, उसका आपने डिस्टेंस चेक करना है, कितना आपने डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है, ये आपका सारा रिगार्डिंग ऑल फिटनेस से रिलेटेड आ गया। आपने जो भी टेस्ट लेने हैं, जो आपका फिजिकल फिटनेस है, दिस इज ऑल रिगार्डिंग इन दिस चैप्टर, टेस्ट मेजरमेंट, मोटर फिटनेस, ठीक है, रिक्लिएंट जोन्स, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर देन आपको एक मैं जो आपको बता रहा था सम ऑफ द मेजर टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट गेम, जो मेजर, जो आपकी मेजर गेम है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी टर्म्स हम यूज करते हैं, जैसे आपका एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स का आपको मैंने सारा लिखाया है, ठीक है, एथलेटिक्स में रिले रेसिस हैं, जितने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स हैं, यू ऑल आपने लिखा है ना बेटा सारा, वो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, व्हाट इज ट्रैक इवेंट, व्हाट इज फील्ड इवेंट, नहीं सर प्लस वन वाली प्रैक्टिकल फाइल में लिखा था सारा ये। हाँ ये सारा उसको अपने अपने पास रखना है, दैट इज फॉर योर फाइनल एग्जाम प्लस टू, व्हाट इज ट्रैक इवेंट, व्हाट इज फील्ड इवेंट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, रनिंग जंपिंग वॉकिंग एंड रनिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर थ्योरी पार्ट, सम ऑफ द क्वेश्चन They are from different games. उसकी टर्मिनोलॉजी में आपको ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ, जैसे स्पोर्ट्स एथलेटिक्स है, उसमें आपको ट्रैक एंड फील्ड के सारे इवेंट, ट्रिपल जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, आपके जितने रेसिस होगी हैं, मैराथन रेसिस होगी हैं, ठीक है, बैटन एक्सचेंज, 4x4 रिले रेसिस, ये सारी आपकी आ गई एथलेटिक्स से रिलेटेड। देन जैसे आप बैडमिंटन है, बैडमिंटन में मेन क्या होता है, शॉर्ट सर्विस एरिया, ठीक है, डिफरेंट सर्विस स्ट्रोक्स, देन आपका आ गया कोर्ट, कोर्ट का जो आपका डायमेंशन हो गया, लाइंस क्लियर, जिसको बोलते हैं नेट क्लियर करना, कोर्ट क्लियर करना, ठीक है, ये सेंटर हो गया, देन आपकी शॉर्ट सर्विस एरिया, शटल, हाउ मेनी फेदर्स आर देयर इन शटल, 14x16, साइड गैलरी, बैक गैलरी, ठीक है, ये सारी उसकी डायमेंशन आपको आ जाती है। देन आपका बॉक्सिंग में हम बोलते हैं मोस्टली व्हाट इज नॉकआउट, जो मेन मेन आपकी टर्म्स यूज होती है, नॉकआउट, अपर कट, ठीक है, ये मेन आपका चलता है, नॉकआउट हो गया जी, अपर कट कर दिया उसने, देन मेन गेम आपकी क्रिकेट है, क्रिकेट से तो रिलेटेड बहुत सी आपको टर्मिनोलॉजी मिल जाती है, मैचेस बड़े टीवी पे आते हैं, क्रिकेट का आपको कवरेज बहुत होती है, यू कैन राइट स्टंप, विकेट, बॉल, रन आउट, बाउंसर, गुगली बॉल, ठीक है, जैसे गुगली बहुत आपने सुना होगा, हुक शॉट, हैट्रिक क्या होती है, वन डे, ओडीआई, देन आपका मेन फुटबॉल में, फुटबॉल में क्या होता है बेटा, गोलकीपर का डायरेक्ट किक, इनडायरेक्ट किक, देन ट्रैप, ऑफ साइड मेन रूल होता है उसमें बेटा, ऑफ साइड हो गया वो, पेनल्टी, ठीक है, फिर कार्ड्स डिफरेंट मिलते हैं उसमें, ऑफ साइड कार्ड्स हो गया आपका, पेनल्टी शूट आउट्स हो गए हैं, ठीक है, ये मेन आपका इसमें होता है। जिमनास्टिक में डिफरेंट आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, डिफरेंट जो आपके उस पर आपको हर इक्विपमेंट में अपनी स्किल डेमोस्ट्रेट करनी होती है, जैसे पैरेलल बार है, रोमन रिंग है, ठीक है, और कौन सी मेजर गेम है, हॉकी हो गया आपका, हॉकी में क्या होता है, हॉकी में भी सेम बेटा, स्ट्रोक हो गया, पेनल्टी कॉर्नर सबसे मेन होता है, जो पेनल्टी कॉर्नर्स मिलते हैं, ठीक है, डी में जब आप कोई फाउल करते हैं तो वहां पे पेनल्टी कॉर्नर्स दिया जाता है,
ये कुछ एक मतलब मेन मेन जो आपके टर्म्स हैं जो यूज होती हैं आपको, ड्रिबलिंग क्या है, व्हाट इज बुली, ठीक है, स्ट्रिक्ट फाउल क्या हो गया है, ऑफसाइड रूल भी इसमें होता है, ऑफसाइड क्या होता है, देन स्विमिंग में डिफरेंट स्ट्रोक हो गए बेटा, जैसे बटरफ्लाई हो गया, बैक स्ट्रोक हो गया, फ्री स्टाइल हो गया है, ठीक है, दीज आर द मेजर स्ट्रोक्स दैट यूज, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, और कौन सी गेम आपको मेन है, टेबल टेनिस में क्या हो गया, साइड स्पिन, टॉप स्पिन, मेन वो आपका चलता है, साइड स्पिन है, टॉप स्पिन है, ड्राइव है, पुश है, ठीक है, रैली हो गया, ये जितनी बॉल्स गेम है सब में बेटा ये टॉप स्पिन, बैक स्पिन, ये सब में होता है, ये मोस्टली सारी जितनी बॉल्स गेम है। देन वॉलीबॉल में सबसे मेन बेटा लिब्रो, जो डिफरेंट ड्रेस होती है जिस प्लेयर्स की उसको हम लिब्रो बोलते हैं, ठीक है, बाकी आपका उसमें एंटीना, व्हाट इज योर रोल ऑफ एंटीना लगा होता है, ये कुछ हो, कुछ एक आपकी टर्मिनोलॉजी मेन है जो आपको यूज होती है डिफरेंट गेम में, रेसलिंग में क्या होता है, ग्रीको रोमन क्या होता है, फ्री स्टाइल क्या है, ये दीज आर द सम मेन आपको एज ए फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट एटलीस्ट ये जो मेजर गेम्स है इनके जो मेन मेन टर्म्स यूज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, एथलेटिक्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल रिगार्डिंग टू डेज लेक्चर एंड गेट रेडी फॉर टू डेज एग्जाम टेस्ट। एनी क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो? सर वो लास्ट टेस्ट में क्वेश्चन था ना? हाँ जी सर, लास्ट टेस्ट में क्वेश्चन था लॉर्डोसिस का, लॉर्डोसिस उसमें था कि आंसर वैसे लोअर बैक आना चाहिए था पर करेक्ट आंसर में अपर बैक गिवन था। चलो वो मे बी उसमें हो गया होगा, अदरवाइज आपको पता है ना व्हाट इज लॉर्डोसिस? यस सर, आपको बस पता होना चाहिए। अभी भी आपको 35 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के, वो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, इतने क्वेश्चन 1 मार्क्स के, पहले होता था आपको 1 मार्क्स है, 2, 3, 4, 5 देन इट विल बी इजी, अब आपको भी ये बड़ा टफ होगा, एक एक चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है आपको, यू हैव टू गो थ्रू माइनॉरिटी ईच एंड एवरी वर्ड, कहीं से भी कोई भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, हाँ, इसलिए पूरा पढ़ना है, ये छोड़ नहीं देना कुछ भी, ये आगे से ज्यादा टफ हो गया 1 मार्क्स वाला काम सारा ही, आगे तो आप अगर कोई चीज आप वर्ड वन लाइन वन आपका लाइन में आपने आंसर लिखना है 1 मार्क्स का, तो क्या होता था सम टाइम अगर आप कुछ रिलेटेड थोड़ा भी लिख देते थे तो सम टाइम एग्जामिनर आपको 0.5 मार्क्स दे देता था, बट नाउ 0 या 1, हाफ वाला काम ही खत्म है, ठीक है, सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। चलो सो के नाउ